नगर पालिका चेयरमैन एवं लोक दल से पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा ने असहाय लोगों को राहत सामग्री बांटी। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको देखते हुए शहर के अनेक सामाजिक संस्थाएं गरीब जनता को राहत सामग्री बांटने का कार्य कर रही है। पंडित सुदेश शर्मा का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी हमारे देश में एक हफ्ता की तरह है। आपदा के समय हमें देश के किसी भी कोने में बसे गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम सहयोग करें, और हमारे लिए ही जो है ये सब किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बना करके, उन नियमों का पालन करके निश्चित रूप से हम इस कोरोना जैसी बीमारी को हरा सकते हैं। हिंदुस्तान ने पहले भी ऐसे काम करके दिखाए हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन प्रशासनिक अधिकारियों का, उन तमाम कर्मचारियों का जो इस समय अपने परिवार की परवाह ना करके जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत आसानी से ये काम हो सकता है, और यदि दोनों ही पड़ोसी भूखे हैं तो तीसरा उनकी मदद कर सकता है।